जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूपीएससी ने एनडीए और सीडीएस फर्स्ट 2024 के एडमिट कार्ड को आज पब्लिश कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि एडमिट कार्ड आप सभी को कैसे डाउनलोड करना है और एग्जाम से रिलेटेड जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहने वाली हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मंथ अप्रैल 2024 में आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि एनडीए और सीडीएस के एग्जाम 21 अप्रैल को संडे के दिन आपका कंडक्ट होंगे, यानी कि एक ही दिन दोनों पेपर आपके कंडक्ट होंगे। और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो यूपीएससी है। तो यूपीएससी के द्वारा दोनों ही एग्जाम के एडमिट कार्ड को आज आपका रिलीज कर दिया गया है। आप सभी को अब क्या करना है कि अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और उसमें दी गई इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ के फॉलो करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले एनडीए वाले डिफेंस एस्पिरेंट्स की। तो अगर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आपको एनडीए फर्स्ट 2024 का एक लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे कि दो तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकोगे। पहला है बाय रजिस्ट्रेशन आईडी और दूसरा है बाय रोल नंबर। तो रोल नंबर तो अभी आपको पता नहीं है, तो आपको बाय रजिस्ट्रेशन आईडी पर आप क्लिक करो और जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपके टेक्स्ट पर और ईमेल पर आई हुई है, उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो विद इंस्ट्रक्शन आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसका जो दूसरा प्रोसेस रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डालिए, आगे प्रोसीड कर लीजिए, जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था एनडीए वालों का प्रोसेस कि किस तरीके से आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता दूँ तो देखिए एनडीए फर्स्ट 24 का जो नोटिफिकेशन थी 20 दिसंबर को आई थी। अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 थी। 10th से लेकर 16 जनवरी तक इसमें जो है आपका करेक्शन विंडो ओपन था। 21 अप्रैल को आपकी एग्जाम डेट है और एडमिट कार्ड तो अब आपका अवेलेबल हो चुका है। रिजल्ट इसका आपके एग्जाम के एक महीने के बाद आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों कैंडिडेट आते हैं तो उनके भी एग्जाम 21 अप्रैल को हैं और आप सभी के एडमिट कार्ड को पब्लिश कर दिया गया है। upsconline.nic की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सीडीएस फर्स्ट 2024 की लिंक आपको दिखेगी। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपका शो होगा और उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। जिस तरीके से आप एनडीए को कर रहे थे उसी तरीके से आपका सीडीएस का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड कर लीजिएगा उसको और जो आपका पीडीएफ रहेगा उसको मोबाइल में सेव भी कर लीजिए, प्रिंट आउट को निकलवा लीजिए, उसमें देख लीजिए कि फोटो वोटो आपकी अच्छे तरीके से है कि नहीं है। इसमें सीडीएस फर्स्ट का जो नोटिफिकेशन 20 दिसंबर को था, एडमिट कार्ड अब अवेलेबल हो चुका है। आपकी एग्जामिनेशन डेट 21 अप्रैल है और रिजल्ट मई जून तक आपका आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से रिवीजन करते जाइए। एनडी आप सभी जानते हो कि यूपीएससी इसकी कंडक्टिंग बॉडी रहती, साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाता है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैंडिडेट इसमें आपके आते हैं। दो पेपर्स होंगे मैथमेटिक्स के और जीएटी के। दोनों में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 270 के, टोटल मार्क्स आपके 900 के रहेंगे। एनडीए का एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव और ऑफलाइन मोड पर रहा करता है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट आपका रहता है। तो ये फिर से प्रोसीजर मैंने बता दे रहा हूँ जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। आप सभी अपने आने वाले एनडीए और सीडीएस एग्जाम की तैयारी हमारे कोर्सेज में जोड़कर कर सकते हो, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बात करते हैं सीडीएस के एग्जामिनेशन की। तो देखिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन इसका फुल फॉर्म है, साल में दो बार कंडक्ट होता है। आईएमए, ओटीए और एएफए में आप इस आईएनए में इस वैकेंसी के थ्रू आप सभी डिफेंस कैंडिडेट जा सकते हैं। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपनी प्रेफरेंस आईएमए
आईएनए और एएफए को दिए हुए हैं उनको टोटल 3 पेपर्स देने होंगे, इंग्लिश जनरल नॉलेज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 2-2 आवर्स सभी का ड्यूरेशन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 120, 100 यानी कि 340 रहते हैं, 300 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिसमें गर्ल्स बॉयज आते हैं, ओटीए चेन्नई को आपने ऑप्ट किया है तो आपको सिर्फ 2 पेपर देना होगा, इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का, ड्यूरेशन आर 2-2 आवर्स की है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 120 और टोटल मार्क्स आपका 100-100 यानी कि 200 नंबर का है, ऑफलाइन रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको अपना एग्जाम देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे एनडीए का है उसी प्रकार से सीडीएस का है, रिटेन एग्जाम, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी में जो पास होगा मेडिकल, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, अपने एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट को आप निकाल लीजिए, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड को एग्जाम में आप सभी ले जाइएगा, किसी भी तरीके का मिसमैच उसमें नहीं होना चाहिए। अपने एग्जाम हॉल में 30 मिनट पहले आप इंटर कर लीजिए, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए, और वाटर बॉटल हो जो ट्रांसपेरेंट हो, आपके पास मास्क रहे, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा अपने आप को बचा पाएं, और अच्छे तरीके से आप सभी अपने एग्जाम को दीजिएगा, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी नहीं होनी चाहिए। और यूज़ ऑफ नॉर्मल और सिंपल रिस्ट वॉचेस बाय कैंडिडेट इज अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम हॉल, ना जो सिंपल वॉच है वो सही है, लेकिन अगर आप डिजिटल वॉच पहन के जा रहे हैं जो आजकल चली है तो उसको वो प्रोहिबिटेड है, उसको नहीं ले जाना है। तो यही मैं कहूँगा, अपने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को आप सभी ले जाइए, ठीक है, चाहे वो ब्लैक में हो या फिर ब्लू में हो, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 पेन आपके पास होने चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें वाइटनर ना लगाइएगा कि गलती हो जाए, जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एग्जामिनर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, और बेहतर तरीके से जाइएगा, फेस मास्क कवर ये सभी आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकें। अपने आने वाले SSB इंटरव्यू की तैयारी SSB क्रैक एग्जाम के मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने। इसके अलावा ऐसे डिफेंस स्टूडेंट जो कि अपने आने वाले NDA CDS के रिटर्न कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में आप आइए, अपनी तैयारी बेहतर करिए, उसके लिए वॉर रिटर्न कोड का यूज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। तो आप सभी को पूरे SSB क्रैक की टीम तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।